अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी मेरे दोस्तों और भाइयों का इस्तकबाल वेलकम करता हूँ A1 गॉडशिप एंड TS गॉडसेल चैनल्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी सारे फॉलोअर्स का रिक्वायरमेंट था कि ईद पर्पज़ के लिए जो है ना जानवर बताओ बोलकर, तो आज उन्हीं की रिक्वायरमेंट पर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। जैसे कि मैं आपको पहले इजी लोकेशन यहाँ का लैंडमार्क बता दूँ आपको, आप यहाँ पर जो है ना काली मंदिर के पास आकर आप जो है ना लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज की जो कमान है वहाँ से स्ट्रेट आ गए आप, तो वहाँ से आपको जो है ना ज़ीशान होटल मिलेंगे। उसके अपोजिट में जो है ना एक फॉर्म है जो कि आप जैसे कि देख सकते हैं, माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ में आपको यहाँ पर जानवर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जितने भी आप जानवर देख रहे हैं यहाँ पर ये 50 के अबाव जानवर है, और वैसे तो भाई के पास 1000+ जानवर है बोलकर भाई बता रहे हैं। और यहाँ पर अब जो है ना राइट नाउ आपको जो है ना 50 जानवर मिलेंगे, ये फॉर एग्जांपल के लिए बता रहे हैं सो है। और यहाँ पर आपको बेऐब जानवर और अच्छे क्वालिटी वाला जानवर और जो काबिल जानवर यानी कि छोटा जो है ना दुबला पतला नहीं, यानी कि आपको पूरा क्वालिटी पे जानवर मिलेंगे और कुर्बानी के काबिल पे जानवर मिलेंगे आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको सामने से बता रहा हूँ, इसमें जो है ना आपको तेलंगाना जानवर मिलेगा और आपको उंगल जानवर मिलेगा, नेल्लूर जुड़पी जानवर मिलेगा और आपको जो है ना अच्छे से अच्छा जो है ना क्वालिटी वाला जानवर मिलेगा। तो यहाँ के ओनर अबरार अहमद साहब है, तो मैं उनसे भी इंट्रोडक्शन करवाऊँगा आपको जिससे कि हम जो है ना सारे डिटेल्स मालूमात करें। और जैसे कि सबसे फेमस क्वालिटी जो होती है तेलंगाना नेल्लूर जुड़पी उंगल, तो जैसे कि मैं और एक बार बता दूँ आपको, जो फेमस ब्रीड जो है तेलंगाना नेल्लूर जुड़पी उंगल, तो आप यहाँ पर आपको जो है ना वो ब्रीड्स मिलने वाले हैं। तो कितने फैसिलिटीज़ है क्या है, अबरार अहमद साहब से हम बात करने जाएंगे जिससे आपको जो है ना हर वो डिटेल्स यहाँ की मालूम होए। तो चलिए हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह आपके पास में जो है ना आज जानवर देखा मैं, तो बहुत अच्छा जानवर दिखा और अच्छी क्वालिटी पे भी ये जानवर है। शायद ही मैं समझूंगा आपको ये बिजनेस रिलेटेड नहीं, यानी कि जो है ना आप शौक के तौर पर और सवाब के तौर पर आप जो है ना बिजनेस कर रहे हैं। जी जी, तो प्रोफेशन में बुचर और कुरैशी नहीं हूँ। अच्छा माशाल्लाह, शौक के तौर पे करूँ जैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल दोस्त। अच्छा, तो आपके पास में आज अभी राइट नाउ कितना जानवर है और आपके पास टोटली कितना जानवर है? मेरे पास देखिए 1500 to 2000 सप्लाइंग कैपेसिटी है। अच्छा माशाल्लाह। थोड़ा स्टोरेज के लिए थोड़ा इश्यू हो रहा, बारिश का मौसम है। अच्छा, तो अभी मैं फिलहाल 53 जानवर यहाँ पर रखा हूँ डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले के लिए? अच्छा, डिस्प्ले के लिए। जब 1 जुलाई के टाइम पे मेरे पास पूरा जानवर आ जाएगा। अच्छा, जैसा जानवर जाते जाएगा मैं स्टॉक मंगवाते जाऊँगा। अच्छा, तो ये जो है ना आपके पास टोटली 2000 के अबाव जानवर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अप टू 2000। अप टू 2000 के अबाव, 1500 to 2000। अच्छा, तो आपका जो बैनर है पहले बैनर का नाम बताइए। जी हमारा बैनर देखिए हैदराबाद फार्म्स बामुकाम किस्मतपुर बिसाइड LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट। अच्छा जी, तो वहाँ पर आपका जो है ना फार्म है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फार्म भी है और जानवर अच्छा पूरे एक्टिव है, हेल्थी जानवर है जो कि कुर्बानी का जो रिक्वायरमेंट है, जो कुर्बानी के लिए चाहिए जानवर, यानी कि हेल्थी और खूबसूरत आपके पास जानवर है। मिनिमम बकरे का वेट देखिए 22 kg से 35 kg तक है आपके पास में? 22 मैक्सिमम 35। अच्छा, बिल्कुल कुर्बानी के लिए एलिजिबल जानवर सेलेक्टेड है और ओंगोल और तेलंगाना ब्रीड मिक्स है, जो आपको जैसे चॉइस है आप देख के ले। अच्छा, सकते हैं। अच्छा, चॉइस पे तंदुरुस्त जानवर है। बराबर, जैसे कि मैं देखा था यहाँ पर पूरे चॉइसेस यानी कि सिलेक्टेड है। आप ये जानवर आप पाले सो है या फिर आप भी जो है ना परचेस करे सो है? नहीं, ये फार्मिंग करे सो जानवर। अच्छा, फार्मिंग करे सो है। तो आपकी जो डाइट थी वो क्या थी साहब आपकी डाइट? डाइट देखिए वो मूंगफली का छिलका और मूंगफली का छिलका वो और कुट्टी वगैरह वही खिलाते। अच्छा, कुट्टी जो है ना ऐसा खिलाते? मोस्ट रेयरली ग्रीन लीफ वेजिटेबल आई मीन ग्रास देते थे, लियासन ग्रास। अच्छा, हाँ बराबर। तो मैं और एक बात बता दूँ, जैसे कि मार्केट का जो जानवर होता और ये जानवर में बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि जो मीट वीट की जो क्वालिटी रहती मीट की, वो क्वालिटी जो है ना इसके जायकेदार गोश्त मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद जो है ना पर्सनली जो है ना इसका गोश्त खाकर बता सकते हैं। जैसे कि भाई बता रहे हैं फार्मिंग का जानवर है, जो जानवर खा के जो है ना जानवर जो उसका गोश्त का जो जायका रहता ना वो माशाल्लाह बहुत ही लजीज रहता। आप पर्सनली भी जो है ना आकर किसी से मशवरा लेकर आप जो है ना जानवर ये परचेस कर सकते हैं। तो मैं अब तक जो है ना इसकी क्वालिटी बताया, अब हम यहाँ से बात करते हैं क्या हिसाब से जो है ना देंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि जो है ना कस्टमर कैसे जो है ना परचेज़ करें और साहब कैसा जानवर सेल करेंगे, तो इसके सारे बारे में सारे डिटेल्स हम बात करेंगे। चलिए, आप जो है ना अब तक जो है ना क्वालिटी के जानवर बताएं, आप जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस यानी कि जो है ना आप कैसा जानवर सेल करना पसंद करेंगे?
हम लोग देखिए पिछले 5 साल से तिजारत कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारे पास केजी सिस्टम रहता। अच्छा, तो 400 रुपीज लाइव केजी बकरे का प्राइस रहेगा। अच्छा, रिटेल प्राइस। अच्छा, होलसेलर्स के लिए स्पेशल प्राइस है जो 360 रुपीज पर केजी अवेलेबल है। अच्छा, और होलसेल में मिनिमम क्वांटिटी आपको 50 पीसेस लेना जरूरी है। अच्छा, तो पीसेस लाजमी है। लाजमी है, बराबर। तो मिनिमम आप 50 जनवर देंगे अगर होलसेलर को। होलसेलर, रिटेलर को क्या प्राइस बोले आप? 400 रुपीज पर केजी लाइव। अच्छा, तो ये रिटेलर को आप जो है 400 दे रहे हैं और रीसेलर को जो है ना 360 दे रहे हैं। तो ये आपका फिक्स प्राइस है। ये स्लाइटली नेगोशिएशन कर सकते हैं, बिल्कुल मुख्तसर जो गुंजाइश है। अच्छा, नहीं के बराबर में। जी बिल्कुल, नहीं के बराबर में स्लाइटली नेगोशिएबल हो जाता बोलकर भाई बता रहे हैं। अगर ये खैर ये जो है ना वेट के हिसाब से हो गया, आप कोई आदत पे लेना चाह रहे हैं, अब ये जनवर फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग प्राइस टू फिनिश क्या प्राइस से आप जो है ना स्टार्ट है और क्या प्राइस तक फिनिश है? स्टार्टिंग प्राइस ऑन एन एवरेज, जैसा कि मैं आपको 22 केजीज बताया, अगर आप 400 से कैलकुलेशन कर लेंगे तो 8800 से स्टार्ट होता, बराबर 35 केजीज तक जाता। 35 केजीज मींस ऑन एन एवरेज 13 to 14,000। बराबर, तो आपके पास में ऐसा सिस्टमेटिक से जो है ना आप बिजनेस करें, जैसे कि जो है ना अगर जैसे कि मार्केट का है, जैसे कि जो है ना एक बार बकरी दा गई भाई चलो जितना बोलो इतना दाम बोलो, ऐसा नहीं है। आप सिस्टमेटिक से काम कर रहे हैं, वेट के हिसाब से काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा सुनकर, क्योंकि जो है ना कस्टमर जो है ना हेडेक भी नहीं है ज़्यादा, गए नॉर्मली जो है ना वेट करे उसके बाद परचेस कर लिए, एकदम ईजी ईजी वे है। और एक एक चीज हमारे पास फैसिलिटीज आपको ये है कि स्लॉटरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑन टाइम आपको स्लॉटरिंग होंगी। अच्छा, स्लॉट अलॉटमेंट करते हैं हम लोग। बराबर, वन एग्जांपल 1 आवर में कितना बकरा स्लॉटर होता है उसके हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं जी। तो उसके हिसाब से हम आपको स्लॉट दे देंगे और स्लॉट में ऑन टाइम डिलीवरी। अच्छा, आपके स्लॉट्स देंगे आप? जी हाँ। अच्छा, तो स्लॉट्स में जो है ना जो है उसके हिसाब से 1 आवर में जितने बकरे स्लॉटरिंग कंप्लीट हो जाते हैं उसके हिसाब से। अच्छा, तो आप जो है ना मतलब कि ये मेरा क्वेश्चन नहीं, हमारे कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे आपसे तो आप इसका मेरे को रिप्लाई दीजिए अभी से। अगर आप बकरा जब ले रहे हैं तो क्या वेट के हिसाब से देंगे जानवर, मतलब जो है ना कितना कंपलसरी कुछ गोश्त निकलेगा उसमें? देखिए 50% तो एक्सपेक्टेड रहता है। अच्छा, उसमें एक क्यूमुलेटिव फिगर आता, समझे 45 to 50 का वेरिएशन होता। अच्छा, ऐसा है। एग्जांपल अगर आप 25 केजी का बकरा परचेस करते हैं 12 से 12.5 एक्सपेक्टेड रहता है। इंशाल्लाह। तो आप जैसे कि देख चुके हैं यहाँ पर कितने सारे जानवर है, पूरा हेल्थी एक्टिव है, पूरा सिस्टमेटिक से काम चलता है यहाँ पर। जानवर के लिए पानी का सिस्टमेटिक देख सकते हैं आप, और खाने के लिए जो है ना टब वगैरह और जो है ना धूप वगैरह परछाई से, यानी कि जब से अब तक जानवर यहाँ पर आया तो जानवर भी सेटिस्फाई है और जानवर भी जो है ना तंदुरुस्त है। सेलेक्टेड, जैसे कि मैं ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, मैं क्योंकि जैसे कि आप तो मेरे डेली के वीडियोस देखते रहते हैं, मैं जो है ना कैसी क्वालिटी पे काम करता हूँ, आज भी जो है ना यहाँ पर सेम वैसी क्वालिटी देखकर जो है ना दिल खुश हो गया। तो मैं जितने भी रीसेलर्स हो या फिर जो है ना बिजनेस है लोग का, मैं ऐसे ही जो है ना माल लाने की जो है ना बोलूँगा, क्योंकि जो है ना बकरीद में जो है ना अच्छे से अच्छा जानवर जो है ना देना हमारा जो है ना काम है। तो कस्टमर को आप सेटिस्फाई जब तक ना करें जब तक आपको जो है ना बेहतर है जी। और एक इतला मैं आपको ये भी देता हूँ, तमाम जितने भी मार्केट से सब मार्केट सर्वे कर लेके आइए आप। अच्छा, सब मार्केट से कंपैरिजन में अपने पास बिल्कुल बिल्कुल माकूल और एकदम वाजबी दाम अपने पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, दावे के साथ कर सकते। अच्छा, अगर कस्टमर से आपको कोई कांटेक्ट करे आप कस्टमर से जी, तो आप 4 जानवर होना बोलकर कोई बोले आप 25 केजी का जो है ना बकरा आप कौन से कोई ले रहे हैं तो क्या हिसाब से देंगे आप, वेट के हिसाब से देंगे? बिल्कुल वेट के। अच्छा, तो वेट एग्जैक्ट रहेगा? एग्जैक्ट 25 नहीं रहेगा, क्यूमुलेटिव फिगर आएगा, वेरिएशन होगा। अगर आप 25 एक्सपेक्ट करें तो 26 का भी निकलेगा, 27 भी होगा, 24। अच्छा, यानी कि एक आधा किलो के आसपास में रहेगा जी, जी। तो ये तो जानवर है, कभी जो है ना पानी पीवा जानवर रहता, कभी नहीं पीवा जानवर रहता, तो ये तो खैर नॉर्मली बात है, आधा एक किलो जो है ना आगे पीछे होते रहेगा। तो जो है ना जानवर आप लोग परचेस करें भाई, माशाल्लाह हेल्थी जानवर है, एक्टिव जानवर है, और स्पेशली प्लस पॉइंट्स आपके ये है कि फार्मिंग जानवर है, क्योंकि जो है ना माल वगैरह कोई मार्केट का नहीं है, अच्छा जो है ना गोश्त मीट आपको जो है ना अच्छी एकदम स्वीट यानी कि लजीज जायकेदार आपको जो है ना गोश्त रहेगा इसका, और तेलंगाना और ओंगोल जानवर है इसमें जो टॉप क्वालिटी जानवर है आपको वो जानवर मिलेगा यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर 50 जानवर है, अगर कोई बल्क में ऑर्डर चाहिए तो भी भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता करें आप, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर मिल जाएगा। और आप जो है ना ये एक आप कम से 12 से 25 लाइव वेट 25 किलो का जानवर लिए, तो आप जो है ना कटिंग के साथ अभी मेरे को बोले थे आप वीडियो स्टार्टिंग से पहले, आप कटिंग के साथ क्या प्राइस बोल रहे हैं? स्लॉटरिंग के चार्जेस वो बुचर के ऊपर डिपेंड करता है, लास्ट टाइम तो हम देखिए 1200 लिए थे।
अच्छा 1200 लिए थे स्लॉटरिंग के सेपरेट चार्जेस 1200 लिए अब तो अभी भी जो अब क्या है कुछ बोल सकते हैं आप 1200 1300 1300 ऑन एन एवरेज अच्छा ऑन एन एवरेज ये है आपका 1213 उतना ही वेरिएशन 1213 जो है ना उतना रख के आप जो है ना यानी कि आपको जो है ना 10 से 12 हज़ार रुपये में जो है ना आपको पूरा वर्क करके आपको दे रहे हैं भाई तो अच्छा है देखिए भाई जैसे कि आप इसमें आपको जो है ना 12 से 13 किलो गोश्त भी निकल जाता है उसमें और आपको जो है ना ज़्यादा जिम्मेदारी की भी नहीं है काम पूरा जो है ना भाई के फॉर्म पे काम हो जाएगा इंशाल्लाह तो पर्सनली आप जो है ना पहले विजिट करके चेक करना चाह रहे हैं जानवर हेल्थी है या नहीं है वो भी आप कर सकते हैं और जानवर वेट है या नहीं है वो भी आप जो है ना जब तक तो भाई का कहना है कि मतलब जो है ना अच्छा जानवर भाई के पास मिलता है ये जो है ना भाई दावे के साथ बोल रहे हैं किसी और का तो गारंटी नहीं दे सकते लेकिन भाई का जानवर का अच्छा जानवर का गारंटी मैं दे रहा हूँ क्योंकि अच्छी जानवर क्वालिटी है हर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं लाता बस मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि जो है ना मैं प्रीफर कर रहा हूँ ये क्वालिटी को आप पर्सनली भी विजिट करें जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हुए जब तक आप जो है ना जानवर नहीं खरीद सकते मुझे पता है लेकिन आप पर्सनली विजिट करने के बाद आप भी जो है ना जानवर खरीदेंगे तो कैसे ही वीडियो कमेंट्स के जरिए भी बता सकते हैं और अगर कुछ बोलने से मेरी मुझे भूल गया मैं तो आप जो है ना डायरेक्टली टाइटल और डिस्क्रिप्शन के नंबर पे दिए गए आप डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आपका कुछ ऑफर हो वेट के हिसाब से या फिर जो है ना बकरे के हिसाब से वो भी जो है ना आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी फुल वीडियो देखने के लिए ऐसे और वीडियोज़ मैं आपके सामने देते रहूँगा तो आप मैं और एक बात जो है ना यहाँ के ओनर साहब से मैं बात करूँगा मतलब कुछ लास्ट मैसेज देना चाह रहे हैं क्या तो आप कुछ हमारे वीडियो के जरिए आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाह रहे हैं लास्ट मैसेज तो ये मैसेज तो यही है कि आपके तमाम नाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा है और आपका भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त हमारे चैनल के सर्वेलेंस हमारे फार्म के सर्वेलेंस को दिए हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम और सभी भाइयों को जो है ना जैसे कि मैं क्वालिटी बताना मेरा काम है और कैसी लगी क्वालिटी आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं तो प्लीज़ आप पर्सनली विजिट करें इजी एड्रेस है ज़्यादा भी नहीं है और फैसिलिटीज़ के साथ आपको जो है ना यहाँ पर जानवर मिल रहा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फुल वीडियो देखने के लिए ऐसी वीडियोज़ मैं आपके सामने देते रहूँगा तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम